गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ। बेटा हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, नोइंग आर नंबर्स। ठीक है, इसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, जो कि एस्टिमेशन वाली एक्सरसाइज है। सो थर्ड इज एस्टिमेट द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ द ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 पे आपने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, सो ए पार्ट इज 93 इंटू 67। सो पहले 93 का नियरेस्ट 10 चेक करेंगे। सो नियरेस्ट 10 किसका? टेंस का चेक करना है, तो टेंस प्लेस को मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है, यह 9 के पीछे वाला नंबर 3 5 से छोटा है, मतलब 9 में कोई चेंज नहीं आएगा, 90 और 3 बन गया 0। ऐसे 67 है, 67 में नियरेस्ट 10 टेंस प्लेस पे है 6 के पीछे क्या है 7, 5 से बड़ा है तो 6 में 1 ऐड होगा कि ये क्या बन गया 6 + 1 = 7 और ये वाला प्लेस बन गया 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई 19 × 70 = 6300। ठीक है, बी पार्ट 346 × 59। सो 346 में टेंस प्लेस पे है 4, उसके पीछे है 6 है बड़ा नंबर, ऐड होगा 4 में ऐड किया 1, ये बन गया 5। सो ये बन गया 350। और 59 में टेंस प्लेस पे है 5 के पीछे 9, 5 से बड़ा है तो मतलब 5 में 1 ऐड होगा, ये बन गया 60। सो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 350 × 60 विच इज इक्वल टू 21,000। नाउ सी पार्ट 41 × 114। 41 का क्या आएगा, देखो टेंस प्लेस पे क्या है 4 और 1 प्लेस पे 1, 5 से छोटा है मतलब 4 में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो ये बन गया 40। ठीक है, पीछे वाला प्लेस आपका 0 बनता जाएगा। एंड 114 में टेंस प्लेस पे है 1, ठीक है, और इसके पीछे 4, 5 से छोटा है तो 110। मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 × 110, 4400। डी पार्ट 291 × 321। सो 291 में टेंस प्लेस पे 9 और 1 प्लेस पे 1, 5 से छोटा है तो ये आ गया 290। 321 टेंस प्लेस पे 2, 1 प्लेस पे 1, 5 से छोटा है कुछ ऐड नहीं होगा, 320। मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ गया 92,800। ठीक, ई पार्ट 1465 × 876। सो 1465 में टेंस प्लेस पे है 6 है, यहाँ पे क्या है 1 प्लेस पे 5 है तो मतलब 6 में 1 ऐड होगा, ये बन गया 7 तो आ गया 1470। ठीक है, पीछे वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो इसके बैक साइड नंबर है टेंस प्लेस का 1 प्लेस है वो 0 बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 876 में यहाँ पे क्या है 7 टेंस प्लेस पे और 1 प्लेस है 6, 5 से बड़ा है तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा, ये बन गया 880। अब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 12,93,600। ठीक है, नेक्स्ट 898 डिवाइडेड बाय 28। सो 898 का सबसे पहले नियरेस्ट 10 प्लेस पे 9 और उसके 1 प्लेस है 8, 5 से बड़ा है मतलब 9 में 1 ऐड होगा तो 9 में 1 ऐड कर दो, क्या बन गया 9 + 1 = 10, 89 + 1 = 90 हो गया और ये 8 बन गया 0, 900 आ गया। और 28 में टेंस प्लेस पे है 2 और 1 प्लेस पे है 8, ठीक है 8 है तो मतलब हमारा 8 बड़ा है 5 से तो यहाँ 2 में 1 ऐड होगा, ये बन गया 30। 900 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो इस वे में होंगे ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट जी पार्ट 632 / 31। सो 632 में टेंथ प्लेस पे है हमारे पास 3 और 1 प्लेस पे है 2, ठीक है 2 5 से छोटा है मतलब 3 में कुछ भी ऐड नहीं होगा 630। और 31 है, 31 में टेंथ प्लेस पे है 3 और 1 प्लेस पे है 1, 5 से छोटा है 3 में कुछ ऐड होगा नहीं, 30। सो 630 / 30 कितना आ गया, 210। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, पहले हमने चेक करना है ये ट्रू और फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, फिर हमने इसको अगर फॉल्स है तो करेक्ट करना है। ए पार्ट इज एस्टिमेटेड सम ऑफ 4162 and 21,319 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज 25,400। इन्होंने बोला अगर हम इन दोनों को राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 100 तो इन दोनों का सम बनता है 25,400। चेक कर लेते हैं नियरेस्ट 100 पे, 4162 का नियरेस्ट 100, 100 प्लेस पे सर्कल किया, उसके पीछे 6 है, 5 से बड़ा है, 1 में ऐड हो जाएगा 1, ये बन गया 4200, बाकी के दोनों प्लेसेस 0। नेक्स्ट 21,319, सो 100 प्लेस पे 3 सर्कल कर लिया, 1 5 से छोटा है, 3 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये एज इट इज 21,300, बाकी के दोनों प्लेसेस 0, ऐड किया आंसर आया 25,500, यहां पे दिया 25,400, सो इट्स फॉल्स,
करेक्ट आंसर इज 25,500. नेक्स्ट बी पार्ट, व्हेन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड द नंबर 63,634 बिकम 63,600. इन्होंने बोला जब हम इस नंबर को नियरेस्ट थाउजेंड पे करते हैं राउंड ऑफ तो आंसर ये आता है. चेक कर लो नियरेस्ट थाउजेंड ऑफ दिस नंबर, थाउजेंड है थाउजेंड पे सर्कल लगा दिया, उससे पीछे वाला नंबर चेक करो सिक्स है, सिक्स है यहाँ पे तो थ्री में वन ऐड होगा, ये बन गया 64 और बाकी के तीनों प्लेसेस क्या बन गए जीरो 64,000. लेकिन यहाँ इसने दिया 63,600 सो फॉल्स, करेक्ट आंसर 64,000. सी पार्ट, व्हेन अ नंबर 3,90,000 थ्री इज राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट लैक इट गिव्स 4,00,000. नियरेस्ट लैक पे जब हम इस नंबर को करते हैं तो हमें आंसर आता है 4,00,000. चेक करते हैं लैक वाला प्लेस है थ्री, थ्री के पीछे नाइन, नाइन फाइव से बड़ा है तो इसमें वन ऐड हो जाएगा फोर और बाकी के सारे नंबर बन गए जीरो. 4,00,000 आंसर भी 4,00,000 है, ट्रू. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ देयर आर 4,056 कार्टन्स ऑफ बुक्स इन अ वेयर हाउस एंड ईच कार्टन हैज 53 बुक्स विच इज बेटर एस्टिमेट टू टोटल नंबर ऑफ बुक्स 1,70,000 और 2,00,000. इन्होंने बोला एक वेयर हाउस है हमारे पास, ठीक है, वहां पे बुक्स के कार्टन्स पड़े हुए हैं, बड़े बड़े कार्टन्स कितने हैं 4,056 और हर कार्टन में 53 बुक्स हैं, तो बेटर एस्टिमेशन क्या होगा. ठीक है, सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ बुक्स निकालते हैं, नंबर ऑफ कार्टन्स है 4,056, नंबर ऑफ बुक्स इन वन कार्टन 53, सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई, वन में 53 है, 4,056 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करके पता लग जाएगा, मल्टीप्लाई किया आंसर है 2,14,968. सो अब इसने कुछ नहीं बोला किसके नियरेस्ट करना है, तो सबसे बड़ा नंबर चेक करो. ठीक है, सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, लैक, लैक के अकॉर्डिंग इसका एस्टिमेशन करना है. जब भी कुछ भी नहीं दिया है तो सबसे बड़ा नंबर चेक करो, जो भी उसका बिगर प्लेस होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने चेक करना है. प्लेस वैल्यू यहाँ पे है लैक की, तो लैक के अकॉर्डिंग इसका चेक किया एस्टिमेशन 2,00,000, सो 2,00,000 इज द बेटर एस्टिमेट. ओके, सो आपने इसको अच्छे से समझ लेना है और नोट डाउन कर लेना है. ओके, बाय बाय.